दूसरे नंबर पर हमारे साथ हैं सुदेश दुमित साथी साहब जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसके बाद हमारे साथ हैं श्री विपुल शर्मा जी साहब जो कि गौ रक्षा क्रांति से आते हैं। आपके साथ हैं हमारे साथ हैं आशीष जादौरिया साहब जो कि गौ रक्षा क्रांति से आते हैं। इस तरफ हम आपको ले चलेंगे संदीप वाजपेयी साहब हैं जो कि कांग्रेस किसान कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, साथ ही साथ ब्राह्मण समाज से भी आप प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद हमारे साथ हैं बालकृष्ण यादव जी जो कि गौ कथा प्रवक्ता है, ये अच्छी बात है। इसके बाद हमारे साथ हैं श्री मिश्रा जी जो है लक्ष्मी जो वेंकटेश मंदिर है सिम्स का उससे आप ताल्लुक रखते हैं। और हमारे साथ हैं लक्ष्मी कुमार साहब जो कि विकासशील संस्थान से ताल्लुक रखते हैं। तो सबसे पहले राजीव साहब आपसे जानना चाहेंगे कि गायों की ऐसी कैसी सेवा कि वो सड़क पर घूम रही हैं, सड़क पर जा रही हैं, ट्रैफिक को भी बाधित कर रही हैं और वो पन्नी प्लास्टिक खा करके जीवन यापन कर रही है और हम एक तरफ जय गौ माता का नारा बुलंद कर रहे हैं, ऐसे थोथे नारे या ऐसे अधूरे नारे या ऐसे लंगड़े नारों का क्या महत्व? देखिये, जहां तक गौ माता का सवाल है, हमारे देश में हमारे आर्थिक विकास का अगर देखा जाए मूल आधार हमारी गौ है। गौ को लेकर के आज तक हमारे देश में बहुत सारी चीजें होती रही, लेकिन अभी कुछ समय से लेकर के इनको थोड़ा सा जो एक राजनीतिक विषमता वाली परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, कुछ हमारे समाज के भी लोगों की जिनकी जिम्मेदारियां जिनकी गौ वास्तव में गौ है जो सड़क पर आज रहती है, जिनके बैल हैं वो सड़क पर रहते हैं, शायद हम समाज के ही लोग उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। थोड़ा सा हम सबको एक इस दिशा में एक जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि गाय जब हमारे आर्थिक आधार का एक स्तंभ है, बैल हमारे आर्थिक आधार का स्तंभ है, तो हम उसकी सुरक्षा क्यों नहीं करते? क्या केवल दूध दुहने तक ही हम उसकी सुरक्षा करते हैं, उसके बाद हम रोड पे छोड़ देते हैं? इसी तरह हमारे पास बिलासपुर शहर में देखा जाए तो बहुत सारी घटनाएं भी होती है। हम लोग के पास कई बार फोन भी आते हैं कि साहब आज गाय फला जगह पे बैठी हुई थी, ट्रक ने उसको कुचल दिया है, मोटरसाइकिल वाले ने कुचल दिया, और फिर हम लोग उसमें जो भी थोड़ा बहुत प्रयास हो सकता है वो करते भी हैं। मुझे लगता है कि ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अब अगर प्रशासन के स्तर पर कहा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रशासन को भी इसमें थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए कि जब हमारे शहर के अंदर या जो हमारे हाईवे रोड है उसमें गाय बैठी रहती है, बहुत सारी हो सकता है गाय अनाथ हो, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी अनाथ है तो उसके लिए कुछ एक ऐसे केंद्र स्थापित करना चाहिए, अगर हमारी गाय है उनको हम वहां पर रख करके उचित उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था हो वो किया जाए, और जो उसका वास्तव में जो उसका मालिक होगा अगर वो हमारे पास आता है तो उसको कुछ हम उससे एक नॉमिनल चार्जर लेकर के उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ट्रैफिक भी थोड़ा सा बचेगी और गायों की सुरक्षा भी हो जाएगी। एक अच्छा सुझाव राजीव जी आप देने की कोशिश कर रहे हैं। सुदेश साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति में गाय परिवार का सदस्य मानी गई है, परिवार का सदस्य बनाने के पीछे कोई धार्मिक आधार भले ही बना दिए गए हैं लेकिन मौलिक आधार उसका संरक्षण ही है। इतनी बड़ी मात्रा में गायें हैं कि क्या कोई सामान्य से संगठन या क्या कोई सरकारें उनका अनुपालन बिना किसी उपादेय का या उपयोगिता के कर सकती है? मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा जी। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया उसके ठीक पहले उन्होंने एक सर्वे किया कि हिंदुस्तान को कब्जा कैसे किया जाए, तो सबसे पहले उसके पशुधन पे, पशुधन को यदि कमजोर कर दिया जाए तो हिंदुस्तान पे कब्जा किया जा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत ही ज्यादा रीच है। तो उन्होंने सबसे पहले गौ हत्या शुरू की हिंदुस्तान में और लोगों को यह समझाया कि गौ मांस खाने से ज्यादा प्रोटीन और ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं आपको, तो कुछ लोगों ने शुरू भी किया इस बात को। उसके बाद धीरे धीरे पशुधन हमारा कम हुआ, पशुधन कम हुआ, फिर कुछ जो जागरूक लोग थे उन लोगों ने, क्योंकि हिंदुस्तान में भय भी न हो न प्रीति, एक रामायण में एक लाइन है, तो हिंदुस्तान में कोई भी धार्मिक वो ऐसा बनाया जाता है जिससे भय पैदा हो और आप उसमें काम करो, अन्यथा जैसे सामान्य दूसरे जानवर है वैसे गाय भी। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार गौ हमारी माता है, उसकी रक्षा करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं। मैं जो लोग गौ की वास्तविक सेवा करते हैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। हिंदू में गाय की रक्षा की जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग केवल गाय दूहने के लिए ही गाय का पालन करते हैं और उसके बाद उसको शाम को सड़क पर छोड़ देते हैं।
उससे ट्रैफिक तो भयंकर बाधित होती है। कई बार मैं भी उसका शिकार हुआ हूँ कि अंधेरे में यदि गाय बैठी है और सडनली मैं नहीं देख पाया तो मैं भी उसे चपेट में आया हूँ। कुछ लोग कुछ गाय थोड़ा तेजी होती हैं तो वो दौड़ाती भी हैं, कई बार बच्चों को महिलाओं को मार देती हैं, जोड़ कर देती हैं। तो ट्रैफिक बाधित होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बाधित होता है। उसके लिए वास्तव में जो पहले एक पांजी हाउस की परंपरा थी शायद अभी वो समाप्त हो गई, शायद उसको फिर से स्ट्रिक्टली प्रोवाइड करना वो करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ी जवाबदारी प्रशासन के साथ साथ गौ पालकों की है। यदि हम वास्तव में गौ सेवा करने का नाटक करते हैं तो उनकी वास्तविक रक्षा भी करें और सड़क में जो गाय बैठी होती है उनको पांजी हाउस में करके उनको पनिशमेंट दिया जाए, उनके गौ पालकों को मालिक उनको पनिश किया जाए। जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, प्रशासन ने अभी अलग से डेयरी वालों के लिए एक स्थान बनाया है गोकुल धाम, लेकिन उसको प्रशासन फॉलो नहीं कर पा रही है। उसको अभी भी शहर में बहुत से गांव साथी साथ वो तो देर पहले फॉलो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, क्या उससे गौ रक्षा हो जाएगी, क्या उससे गाय सड़क पर हट जाएंगी? जो गायें सड़क पर है वो बहुत रूप में किसी डेयरी की नहीं है, वो गाय सामान्य मालिकों की है, या तो उनके कोई मालिक है या उनके कोई मालिक नहीं। आपकी जानकारी में शायद है नहीं, नहीं मालूम मुझे, लेकिन अभी भी शहर के अंदर बहुत से लोग अपनी डेयरी चला रहे हैं, बहुत से हैं। तो वो एक्चुअली इनका कहना ये है कि जो शहर में डेयरी चल रही है उन्हीं की गायें सड़कों पर जाकर अधिकांश अधिकांश, क्योंकि आज सारे लोग जो सामान्य की बात कर रहा हूँ अपने घर में गाय पालने की स्थिति में नहीं है, ना उसकी सेवा कर सकता, ना उसके लिए दूने वाला आदमी मिलता, इसलिए बहुत सामान्य एक तो होंगे अपवाद में नहीं बोलता, लेकिन अधिकांश गायें जो है वो डेयरी की हैं या तो रसूखदारों की हैं, इसलिए प्रशासन उनको हटा नहीं सकता, ताकत नहीं लगा रहा है। हटा कर ले कहाँ जाए, गोकुलधाम संकट है उसके, गोकुलधाम उसकी सेवा कौन करेगा? हम विपुल जी के पास चलते हैं। विपुल साहब, गौ क्रांति मंच के जरिए आप इस दिशा में क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहते हैं? देखिए, आज एक्सीडेंटल जो गोवन रोड पर यदि कोई व्यक्ति कोई गाय को ठोक देता है और उसके पैर टूट जाते हैं, उन गौवन को हम उठा कर हॉस्पिटल ले जाते हैं। निरंतर 2007 से उस हॉस्पिटल पर हम सेवा रखते हैं और उनको सेवा करके उन गौ वंशों को ठीक करने के बाद में हमारे पास में कोई जगह नहीं है। सरकार के द्वारा हमारे को कोई अनुदान या जमीन या किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं, तो ठीक होने के बाद में हमारे पास में एक बड़ी समस्या आती है कि उन गौ वंशों को हम छोड़ेगा। जैसे इसके पहले हमने जो ठीक हुए गौ वंश उनको चकरभाटा गौशाला में दिया, अब चकरभाटा गौशाला वाले ने हाथ खड़े कर लिए कि 25 गौ वंश के बाद में हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। एक सीमा समय। तो आज हमारे पास में एक बड़ी समस्या है कि हम एक्सीडेंटल जो गौ वंशों को ठीक करते हैं उनको हम कहां ले जाते हैं। अब रही बात रोड में बैठने वाले गौ वंशों की, जिस पर ये परिचर्चा आपने रखी है और इसके लिए पत्रिका की पूरी टीम को मैं साधुवाद कहता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपने इस परिचर्चा पर गाय के विषय को रखा, क्योंकि ये मूलभूत समस्या है गाय। गाय के ऊपर में पूरे हिंदुस्तान पर सबसे ज्यादा यदि अत्याचार हो रहा है तो वो है गाय। अब रही इस परिचर्चा की बात की, इस परिचर्चा पर आपने रखा कि गाय रोड पर क्यों बैठती है, तो उसका मुख्य कारण है कि शहर पर गाय नहीं बैठती, रोडों पर गाय नहीं बैठती। आपने उस बात को गौर नहीं किया, रोड पर गाय नहीं बैठती, रोड पर बैठता है नंदी गोवंश। गाय को लोग घर पर ही बांधते हैं ज्यादातर, नहीं जैसे सुदेश दुबे जी ने कही कि डेहरी वाली बात, तो डेहरी निश्चित रूप से डेहरी वाले भी ना जो गौवंश दूध नहीं देते उनको छोड़ते हैं। नंदियों की ये दशा है कि नंदी को कोई लेना नहीं चाहता, कोई गौशाला वाला रखना नहीं चाहता, नंदी जाए तो कहाँ जाए। इस विषय पर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं
और राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को बहुत बार ज्ञापन भी दिया इस विषय पर कि राज्य सरकारें कम से कम दो जिले के पीछे पर एक गौ अभ्यारण्य का निर्माण करें। जिस तरीके से टाइगर रिजर्व है उसी तरीके से गौ अभ्यारण्य बने तो तभी समस्या का निराकरण हो सकता है। एक दूसरी, यदि गायों को, गौवंश को बचाना है और आपको रोड से उस गाय को उठाना है तो सरकारों को गोबर का मूल्य किसानों को देना पड़ेगा। यदि किसानों को और घर वालों को 10 रुपए किलो का गोबर का मूल्य मिल जाएगा तो उससे कोई भी गोवंश अपने रोड पर नहीं छोड़ेगा। अब रही हमारे भारतवर्ष पर मुख्य समस्या है जो हम आर्थिक तंगी से जो लड़ते हैं, हम जिससे लड़ते हैं तो विदेशों को सबसे ज्यादा हम देते हैं जो धन, उसपे आपका तेल जो हम विदेशों से खरीदते हैं, हम ईंधन जो सिलेंडर जो यूज कर रहे हैं वो हम विदेशों से, और तीसरा हम जो आज इन, तो इन चीजों की जो हम खरीद रहे हैं वो सारी चीजें हम पा सकते हैं किससे, गाय से पा सकते हैं। आज जैसे रासायनिक खाद, जानना चाहता हूँ जी, ये बात भाषण में बहुत अच्छी है जी, मुझे बताइए प्रैक्टिकली क्या पेट्रोलियम का विकल्प बन सकते हैं, तो बन सकते हैं पूर्ण रूप से बन सकते हैं। कलकत्ता गौ अभ्यारण्य कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, गौ अभ्यारण्य क्या किसी सरकार का ही क्षेत्र है गायों को बचाने का, वही गोबर खरीदे, वही उनका गौमूत्र खरीदे, वही गौ गाय को चारा दे, वही गाय की सेवा करे, हमारा आपका बाकी समाज का ना, ना, सबका इसमें सबका दायित्व है। जैसे आपने एक छोटी सी बात पर कहा कि क्या एक छोटा संगठन उस कार्य को कर सकता है, तो वो संगठन जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से त्रस्त रहता है। आज जितने भी गौ सेवा के कार्य करने वाले लोग हैं वो 8,000, 10,000, 15,000 रुपए प्रति माह कमाने वाले लोग हैं, किसी उद्योगपति या किसी बड़े परिवार की देन नहीं है, तो गाय का काम करने वाले मध्यम श्रेणी लोग हैं। तो जब तक सरकारों को इस ओर पहल नहीं होगी जब तक गोवंश नहीं मिल पाए। मेरा आर्थिक मदद के लिए गौशाला है, और जानोगे साहब आपकी तरफ जाना चाहेंगे कि इसमें वैज्ञानिक तथ्यों पर जैसे हम लेकर जा रहे हैं, पहली चीज उन्होंने कहा है कि सांड और गाय में विभेद कर दिया, हम गाय शब्द के जरिए हम पूरे गौवंश की ही बात करना चाहते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ी अंदर जब भी गाय शब्द में बात होती है तो गौवंश की ही बात होती है, सिर्फ ये योनि में गाय से मतलब नहीं है, एक गौवंश की बात होती है। तो सड़क पर जो बैठी हुई गाय है वो हमने ये मान लिया, हमने एक तरफा बात कर ली कि गाय घायल हो जाती है, लेकिन क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गायों के साथ साथ आदमी भी तो घायल होता है, तो हम ऐसी जगह पर गायों को बैठने से कैसे रोक सकते हैं, क्या उपाय होने चाहिए एक आम आदमी के नजरिए से भी और प्रशासनिक स्तर पर। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज पहले तो ये हमको समझनी होगा कि गौचर भूमि कुछ हुआ कर दीजिए इस देश पर, गौचर भूमि आज क्या हर राज्य में, हर जिले में, हर उसमें क्या बोलते हैं नहीं है, ऐसा नहीं है, वहां पे गौचर भूमि है, गौचर भूमि अभी भी मौजूद है जी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और एक गांव एक शहर का रूप और एक महानगर का रूप लेता गया, तो उसमें जब डेवलपमेंट होता गया उन चीज वहां पे इंडस्ट्रियां बसती गई, चाहे बिल्डिंगें बनती गई, चाहे और चीजें फैक्ट्रियां आती गई, तो उसमें हुआ ये कि क्या बोलते हैं लोगों ने मतलब गौचर भूमि को धीरे धीरे कब्जा करते गए। इसमें सरकार के मतलब अगर हम बोलेंगे कि सरकार दोषी नहीं है तो सरकार भी दोषी है और इसमें आम जनता भी दोषी है, क्योंकि जिसने कब्जा किया गौचर भूमि को वो आम जनता के बीच से ही निकला, वो कोई मतलब अनोखा नहीं आया कहीं से भी, वो जनता के बीच से ही आया। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि गाय को सड़क पर आज हम ही ने बैठा रखा है, आज गौवंश को सड़क पर हम ही ने छोड़ रखा है। अगर हम गौचर भूमि उसको दे दें, जैसे कुछ साथियों ने यहाँ पे बात करी गौ अभ्यारण की, जिसके लिए हमारे भारतीय गौ क्रांति मंच के द्वारा, गुरुजी के द्वारा उन्होंने बकायदा मतलब इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया रमन, डॉक्टर रमन सिंह जी को भी इस चीज का ज्ञापन
हमारे द्वारा बकायदा दिया जा चुका है कि गौ अभ्यारण आप जब मतलब बनाए मतलब अपने राज्य पर, तो उस पर भी मतलब आज किसी प्रकार का कोई मतलब कार्य नहीं है, मतलब होता दिख रहा नहीं है, क्योंकि ये विगत 2 वर्षों पुराना मसला है जब मतलब उनको बोला गया था इस चीज के लिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज गाय को हमको समझना होगा कि वो हमारी सिर्फ मतलब गाय ही पृथ्वी है, सबसे पहले तो ये समझना होगा जी। अगर गाय है तो हम आध्यात्मिक, धार्मिक, हम वैज्ञानिक, हम आर्थिक, ये सब चीजों में अपने देश को, अपने राज्य को, अपने जिले को हम क्या बोलते हैं, एक आदर्श स्थिति में लाने के उसमें है जी। क्योंकि अगर गाय ही नहीं होगी तो जैसे अब धार्मिक में, अब जैसे देखिए आप अगर इसमें धर्म की बात जैसे होती है कभी कभी, तो जैसे सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म की पहचान ही गाय से उत्पन्न जो हुआ है सनातन धर्म, वो गाय से ही हुआ है जी। क्योंकि सनातन धर्म में मनुष्य के जन्म से लेके उसके मृत्यु तक गौ माता उसके साथ में रहती है। जब जन्म होता है तो भी उसे गाय का घी लगता है, गांव में तो मतलब कंडे भी है उसमें थेपे उसके लिए चले जाते हैं, और मृत्यु के समय भी आज भले ही क्या बोलते हैं विज्ञान इतना ज्यादा मतलब आगे बढ़ चुका है कि कई जगह तो अब मशीन लगने लगी हैं और भी चीजें मतलब अंतिम उसके लिए यूज इस्तेमाल की जाने लगी हैं, लेकिन गांव पर आज भी गोबर के कंडे में ही आदमी को अंतिम वो किया जाता है, उसको पंचतत्व में विलीन किया जाता है। तो गाय से ही हमारी, और दूसरा क्या बोलते हैं, हम जो भोजन प्राप्त करते हैं उसको भी अगर हम गोबर का इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी साहब, उपादेयता है, सब जानते हैं गौ उपादेय है, गौ माँ है, गौ सब है, लेकिन गौ को पूजेगा पूजने से थोड़ी काम है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये ना मतलब सिर्फ 2-4 लोगों से नहीं होगा जी, या फिर सरकार के ऊपर ही अगर हम पूरा दोष कर देंगे कि सरकार की, तो तब भी ये चीज नहीं होगी। ये एक क्या बोलते हैं सामूहिक कार्य है, मतलब इसको सबको मिलकर करना पड़ेगा, और इसमें किसी धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाय की हम अगले वक्ता है कृष्णा कुमार साहब, अभी हाल ही में हमारे साथ जुड़े तपस्या एनजीओ से आप आते हैं। कृष्णा कुमार साहब, इसमें एक प्रश्न बार बार जहन में आ रहा है, बहुत अच्छी बात उठाई, गौचर भूमि जो है वो हमने नष्ट कर दी है। पिछले दिनों आंकड़े जारी हुए थे देश के अंदर कितने कुल गौधन है, कुल गौधन है कुल कितना दुधारू पशु है, उसमें करीब 18 करोड़ पशु हमारे यहाँ जो एज पर द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो निकल के आया था, जिसमें से 5 करोड़ सिर्फ दुधारू है, यानी 13 करोड़ जो है वो दुधारू नहीं है, 1.5 करोड़ गायें हैं। एक नंद बाबा 9 लाख गायों को पाल सकता है क्या? 9 लाख लोग मिलकर एक गाय को नहीं पाल सकते, आबादी का रेशियो देख सिर्फ 150 करोड़ गायें हैं जो सड़कों पर है। एक्चुअली होता क्या है कि 2 एंगल्स होते हैं, एक आदमी इमोशनल होके जो सोचता है, जो उसके रिलीजन से है और उसके सेंटिमेंट से है, दूसरा एक होता है जब आप एक देश चला रहे हैं जी, तो वहाँ एक नज़रिया चाहिए व्यवहारिक जी, जो कि बहुत ज़रूरी होता है आज के, मैंने जिसमें साइंस भी इम्पोर्टेंट होता है जी। तो गाय हम लोग आज ये ऐसा इशू बहुत बड़ा इशू बन गया है कि गाय की रक्षा करनी है वगैरह सब कुछ है। दोहरी मानसिकता एक्चुअली इस देश के अंदर आपको देखने को मिलेगी हर जगह, जब सब कुछ पिट जाता है तब हम फिर उसको रोते हैं उसको जी। कुछ लोग होते हैं जिनके जिनका दर्द सही होता है, बाकी ज्यादा नाटक ज्यादा होता है। जैसे गंगा की बात है, हिंदू सेंटिमेंट, मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू सेंटिमेंट्स की बात है, गंगा हमारी माँ है। इवन यूरोपियन कंट्रीज में बड़े बड़े रिसर्च में भी लोगों ने पाया कि उसका जो पानी है वो मैंने अल्टीमेट पानी है, वैसा पानी कहीं किसी ने देखा भी नहीं, कोई भी क्लेम नहीं कर पाया। लेकिन उस गंगा को सबसे ज्यादा बर्बाद किन्होंने किया, जिसकी सुबह शाम आरती करते हम ही लोगों ने किया, हमारे ही भाई बंधुओं ने किया। यही चीज गाय के साथ है, अगर आप व्यवहारिक नजरिया देखें तो गाय एक जानवर है, जैसे बकरा एक जानवर है, मुर्गी एक जानवर है, ये जानवर है जिसको हम खाने के उपयोग करते हैं। गाय को हिंदू नहीं खाते, लेकिन दूसरे धर्म के लोग खाते हैं गाय को, तो आहार का एक हिस्सा है, दूध जो उसका होता है वो भी आहार का एक हिस्सा है। गाय की जो दुर्गति आज आप देखते हैं सड़कों पे, और जो हिंदुस्तान में जो दिख रहा है,
विदेशों की बात नहीं, हिंदुस्तान में जो दिख रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? खुद हम लोग हैं। और ज्यादातर आप बोलोगे तो वो हिंदू ही है कि जब तक वो दूध दे रही है, एक देसी गाय ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 लीटर दूध देती है, जब तक वो दूध दे रही है वो उसको बांध के रखेगा, उसको चारा पी रहे सब इंतजाम करेगा। एक सेकंड क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा, आपने बात रखी आहार के विषय में, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार और वैज्ञानिक और भी प्रमाण है जिनके अनुसार सभी को अपने अपने मतलब जीविका चलाने के लिए आहार निर्धारित है। अगर आप आहार मानते हैं गाय को, तो आप शेर को भी खा सकते हैं, तो शेर को आप खाइए। शेर आहार नहीं होता सीकर, नहीं तो उसको व्यवहारिक एंगल में आपको लाना पड़ेगा कि वो एक पशुपालन है, वो एक पशु है, पशुपालन है, अगर आपको उससे फायदा होता है तो उसका सरकार को मापदंड तय करने चाहिए। जैसे अगर मैं कुत्ता पालता हूँ तो नगर निगम से मुझे लाइसेंस मिलना चाहिए, लेना चाहिए, मेरे गेट पे बोर्ड लगा होना चाहिए, नियम निर्धारित है। तो वैसे गाय पालने के नियम निर्धारित होने चाहिए कि आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते। जैसे प्रोफेशनल डेयरी करते हैं, वो लोग अपना, आप देख लीजिए जो जैसे ABS अभी राजनांदगांव में है, वह सबसे बड़ा डेयरी है छत्तीसगढ़ में, उनकी गाय कभी बाहर नहीं आती, उनके चार दीवारी से बाहर नहीं आती, उसके अंदर उन्होंने चारे का इंतजाम है, सारा इंतजाम है उनके पास। तो उस तरीके से गाय के साथ सेंटिमेंट्स हैं, आप बेशक उसको पालिए लेकिन उसकी देखभाल भी आपको करनी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। सड़क पर दौड़ती गाय का कोई ना कोई तो मालिक होना चाहिए। संदीप साहब, आप किसान कांग्रेस से आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा के एक बैठक के दौरान कहा था, जब बार बार बात उठ रही थी कि गौ रक्षा देश की प्राण हो, गौ रक्षा और गाय जो है देश का राष्ट्रीय पशु है, तो और उसका संरक्षण तभी हो पाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि गाय का संरक्षण दुनिया की कोई सरकार नहीं कर सकती, गाय का संरक्षण सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, उसका नाम किसान। आप किसान कांग्रेस से आते हैं, इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, गाय को व्यावसायिक रूप से आज देखा जा रहा है। आज अपन बात करते हैं, जैसे विपुल भाई ने कहा, उनकी बात का समर्थन करता हूँ, आज अपन बात करते हैं कि गाय, हिंदू रीति में गाय को भगवान का दर्जा दिया गया है, गाय हम सबके लिए पूजनीय है, 84 लाख योनियों में गायों को सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है। गाय का गोबर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, गाय का दूध भी उतना ही महत्वपूर्ण है, गाय का गौमूत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है, गाय सारी चीजों में हम हिंदू रीतियों से हम लोग के लिए पूजनीय और महत्वपूर्ण है। इसको अगर व्यावसायिक रूप दिया जाता है, जैसे कि अभी अपन खाने पीने की चीजों में बात करते हैं, ऑर्गेनिक खेती की जाए, ऑर्गेनिक खेती बिना गाय के गोबर के संभव नहीं, तो गाय की गोबर से अगर खाद बनाने की कोशिश की जाती है, गाय के गौमूत्र को अगर इंडस्ट्रियल का रूप दे के उसको व्यावसायिक रूप दिया जाता है, गाय का दूध तो बहुत उपयोगी है, बच्चे पीते भी हैं, हम सबके लिए बहुत उपयोगी है, तो अगर ऐसा व्यापार व्यावसायिक रूप दिया जाता है तो मेरे ख्याल से गाय का दोहन होना बंद हो जाएगा, लोग उसको सही रूप से अपने घर में पालना शुरू कर देंगे। बाकी कोई जानवर नहीं पालते, हिरण शहरों में नहीं पाला जाता, शेर को कोई घर में बांध के नहीं रखता, ये जो पालने वाले पशु हैं गाय और कुत्ता ही है, ये दो ही ट्रैफिक को सबसे ज्यादा बाधित करके रखते हैं, तो कुत्ते भी कई नस्ल के होते हैं, लोग पाल के अपने घर में रख लेते हैं। और वैसे तो कुत्ते को पालने वाले भैरव कहलाते हैं, आम लोग नहीं पालते हैं, गाय पालते हैं। अभी तो पलने लग गई है, तो और गाय को शहर में पाला जाता है, गाय की व्यवस्था की जाए, प्रशासन का उसमें सहयोग होना चाहिए। अपन देख रहे हैं विगत 14 साल से यहाँ प्रदेश में देख लो तो 14 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ जितने गौशाला हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगभग उसमें शामिल हैं। 300 गायों की दो तीन महीने पहले 300 गायों की हत्या सिर्फ कमीशन की वजह से कर दी गई, उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाया, वहां उनकी पर्याप्त खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई, उनकी देखरेख नहीं हो पाई, कहां है प्रशासन और कहां है गौरक्षक? सिर्फ गाय को वोट पाने का जरिया मान लेते हैं लोग, हिंदुत्व के नाम पे गाय को वोट पाने का जरिया, और गौरक्षक गाय के नाम पे लोगों को काटने का काम कर रहे हैं इस प्रदेश में। पूरे भारत में ये जो अभी चल रहा है कि गाय के नाम पे लोगों को काटा जाए, ये गलत है, हम इस चीज का खुलकर विरोध करते हैं। हम भी हिंदू हैं, हमारे अंदर भी गाय की विशेष महत्व है। बिल्कुल, और इस तरह से जिस ढंग से गायों के नाम पे और लोगों को काटा जा रहा है, इसका हम
पुरजोर विरोध करते हैं। बिल्कुल, संदीप जी का पॉइंट बहुत सही है। गाय की उपाय देता है, गाय गोबर देती है, गाय गोमूत्र देती है, गाय दूध देती है, और गाय जो है उसके जीभ से चाटने से कई चर्म रोग दूर हो जाते हैं। गाय बहुत उपाय है, इसलिए रायपुर कांग्रेस ने, जहां नगर निगम ने, उसको नगर माता का दर्जा दिया है। अभी हाल ही में दिया है, और राष्ट्र नगर राष्ट्र माता के तौर पर जो है कांग्रेस भी उसको ले रही है। तो पॉलिटिकली नॉट पर्टिकुलरली बीजेपी ड्राइविंग, अब उसको कांग्रेस भी धीरे धीरे करके ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेना ही चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि वो तो सर्वथा महत्वपूर्ण चीज है। बाकी आप गौ कथाएं करते हैं जी, गौ कथा में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि धार्मिक जो उसकी गाय का महत्व है वो लोगों को पता है जी, लोग जान रहे हैं जी, लेकिन फिर भी पाल नहीं रहे। आप क्या अपील करते हो, किस क्या तर्क आपके देते हैं कि गाय को किस तरह से पालें, क्या करें, क्या तरीका हो सकता है, सिस्टम क्या हो सकता है? सिस्टम ये है कि लोगों को गाय के विषय में अभी जानकारियां नहीं है। जो हिंदू संस्कृति की बात है कि हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिनमें 16 संस्कारों में गाय का महत्व अनिवार्य रूप से है, चाहे दूध के रूप में उपयोग करें, चाहे पूजा के रूप में उपयोग करें, गौ माता का हमारे 16 संस्कारों में वर्णित है। और जहां तक बात है गौ माता को सम्मान देने की, इस भारतवर्ष में गौ माता के सम्मान के लिए लड़ाई आजादी के समय से ही लड़ी जा रही है, पर गौ माता को बड़ी विडंबना है इस भारतवर्ष की कि गाय को आज तक सम्मान नहीं मिला जी। उल्टा गाय को अपमानित किया जाता है, गाय को आवारा पशु का नाम दिया जाता है। कहीं ना कहीं हम हिंदुओं पे वह बात चुभती है। आप हिंदुओं को एक एक गाय पाल लेनी चाहिए, 85 करोड़ लोग आप हैं, 1.5 करोड़ सिर्फ गाय हैं, ये सब बात तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, अभाव है, जागरूकता की अभाव है जी। इसलिए अभी जो आजादी के बाद से जो आंदोलन चल रहे हैं वो गौ माता के लिए चल रहे हैं, गौ को संरक्षित हो, और जो गाय रोड में आपने जो विषय रखी है कि गाय जो रोड में घूम रही है उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब दूध पीने का समय आता है तो हम लोग आगे हो जाते हैं, और जब गाय को संरक्षण देने की बात होती है तो प्रशासन के ऊपर थोप देते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि गौ माता का दूध जो भी है वो गौ माता किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी समाज से भेदभाव नहीं करती। गौ माता सभी को अपना अमृत रूपी दूध पिलाती है, और उनके दूध से सभी कोई बालकृष्ण जी की संस्था जी। या बालकृष्ण जी का जो भी अपना दायरा है, उस दायरे में कितनी गाय संरक्षित कर रहे हैं? हमारे दायरे में हम लोग अभी केवल बीमार गौवंश की सेवा करते हैं, जो रोड में चोटग्रस्त गाय है उनकी सेवा करते हैं, और अपने कथा के माध्यम से, गौ माता की कथा के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हमने प्रयास किया कि गाय को रख करके हम बचा लेंगे, पर हमें कहीं ना कहीं कमी लगा उसमें कि हम यदि 1000 लोगों को जागरूक कर दिया, वो 1000 लोगों ने गौ माता की सेवा के लिए आगे आ गए और एक एक गौ माता रखे और संरक्षित करे, तो कहीं ना कहीं गौवंश बच सकती है और इस भारत का कल्याण हो सकता है। क्योंकि जब गाय बचेगा तभी इस देश का कल्याण होगा, क्योंकि जो पृथ्वी है वो गौ माता ही है जी। और जहां तक कृषि, बहुत अच्छी लगती है ये बातें सुनने में और समझने में, लेकिन व्यवहार में जब जाकर देखते हैं तो हम एक टाइल्स वाले घर में रह रहे होते हैं, जहाँ टॉयलेट भी हम जो है एक सर्टेन लेवल कर रहे होते हैं, वहाँ गाय का मनुष्य के लिए स्थान नहीं होता। हमसे अगर आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर आदमी अगर हमारे घर में आ जाता है, हमारा रिश्तेदार आ जाता है, तो हमारे घर में उसके लिए भी उस तरह का स्थान नहीं होता। इतनी लग्जरियस लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ गाय तो छोड़ दीजिए। बातें अच्छी लगती है। प्रपन्ना साहब, एक मंदिर से आप आते हैं, और लक्ष्मी नारायण मंदिर एक सेवा का मंदिर है, सेवा का ट्रस्ट है, और बड़ा इनका काम रहा है शुरुआत से सभी जगह अक्रॉस द इंडिया। तो गौ माता के क्षेत्र में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, और क्या आपके ऐसी सलाहें मशवरात हो सकते हैं सरकारों के लिए जो इसको इस दिशा में काम करें? पत्रिका द्वारा जो आज विषय रखा गया है कि जो सड़कों पर गाय का एक्सीडेंट होता है उससे कैसे बचाव किया जाए, इसके लिए मेरी जहाँ तक याद आ रहा है नीदरलैंड, USA वगैरह में, सब नीदरलैंड आज की तारीख में उसमें सबसे बड़ा मिल्क फूड का उत्पादक देश है, वहाँ पर गायों का जो दर्जा है वो बहुत ही सर्वोत्तम है। और USA वगैरह में तो अपने आप पशु पालते हैं तो उनके पंजीयन कराकर आपको रखना पड़ता है। तो मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि जो भी ऐसे पशुपालक हैं
उनको अपने पशुओं का पंजीयन कराना चाहिए, और ऐसे पशु यदि सड़क पे पाए जाते हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है, ऐसे पशुओं को ले जाके कानी हाउस में दिया जाए और उनको दंड, उनका दंड विशेष रूप से ज्यादा हो, ताकि उस भय से लोग गाय को अपने घर पे रखें ताकि सड़कों पर पशु ना आए और ये दुर्घटनाएं बचे। मिश्रा जी, इससे भी एक संकट और खड़ा हो सकता है। पिछले दिनों बात हुई थी आधार कार्ड बनाए जाएंगे गायों का भी एक बायोमेट्रिक वो होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा। इस दिशा में एक विचार आया केंद्र में और इस दिशा में हो सकता है अगले 10-12 साल में कुछ काम भी हो जाएगा, लेकिन एक संकट खड़ा नहीं हो जाएगा अगर हमने उसके मालिक को किसी रूप में दंड प्रावधान कर दिया कि अगर आपकी गाय सड़क पर खड़ी दिखी या कहीं किसी जगह पर भी दिखी है ना, तो आप उसके रिस्पॉन्स हो, जिस तरह तुम्हारी कार अगर अवैध पार्किंग खड़ी हो तो हम उस पर हल्दी बिल्कुल सही। लेकिन इसके बाद तो फिर ये संकट आ जाएगा कि वो जो मालिक होगा वही गाय को कत्ल खाने तक पहुंचाने में काम करेगा। देखिए, जब सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो गाय बचाएगा भी या तो कत्ल खाना पहुंचाएगा तो रखेगा नहीं, यदि उसके अंदर हिंदू की बचाने की उसकी दृष्टि होती छोड़ता नहीं तो तय, अगर बचाने की उसकी दृष्टि होती कि गाय को मुझे पालना है तो वो सड़क पे छोड़ता है। तो फिर ऐसे लोग ही आगे आएंगे जो गाय को बचा सकते हैं, कार वही ले सकता है जिसके पास क्षमता है, बाइक में वही चल सकता है जो कानून ट्रैफिक के रूल जानता है, खड़े होने के पहले पीली पट्टी देख लेता है कि मेरी गाड़ी पीली पट्टी के अंदर है कि नहीं, रखेगा वही जो डे टू डे इस्तेमाल में रखेगा वही जो कानून के दायरे में रह सकता है उसकी रीसेल भी। लक्ष्मी कुमार जयसवाल साहब, आप एक ऐसे संस्थान से आते हैं विकासशील फाउंडेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। 1962 में बीजी वर्गीस कमेटी बनी और देश के अंदर दुग्ध क्रांति जैसे श्वेत क्रांति के नाम से, और वास्तव में उस क्रांति के बाद जो आंकड़े कहते हैं 1962 के पहले गौ संरक्षण एक शब्द था और वो एक हिंदुओं का शब्द था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। उसके बाद वो एक ऐसा शब्द बना जिसने हर जन जन तक उसको एक उपयोगिता के तौर पर प्रेषित किया, धर्म के तौर पर, उपयोगिता के तौर पर। क्या इस तरह की एक बार फिर एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है, क्या इस दिशा में कुछ सोचने की आवश्यकता है जिसमें कि हम श्वेत क्रांति को मल्टीप्लाई कर सकें? श्वेत क्रांति निश्चित रूप से मल्टीप्लाई हो सकती है, बशर्ते जैसे व्यक्तिगत जो गाय पालते हैं जो उसका खाली जब बच्चा जन्म देती है जब गाय तभी उसको रोड से ले जाते हैं, जब तक गाय रोड में घूमते रहती है और खाली पन्नियां खाते रहती हैं। मैं तो देखा कि शहर के गायों को लेकर के मैं अपने गांव में सीव तराई में मैं एक दो गाय ले जा करके देखा हूं, लेकिन वो गाय वहां बहुत दिन तक जीवित नहीं रहती क्योंकि अधिकांश पन्नी खाई रहती है। तो निश्चित रूप से श्वेत क्रांति तभी संभव है जब लोग चाहेंगे, हम चाहेंगे और आज का समाज चाहेगा, और ये ज्यादातर गांव में ही संभव है क्योंकि शहर में तो वही स्थितियां हो रही कि रहने के लिए जगह नहीं है। जैसे अयोध्या जी ने कहा कि जो गोचर भूमि की बात है तो गोचर भूमि धीरे धीरे समाप्त हो गई, तो गांव में भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है जी। तो गांव की भी स्थितियां आज वैसी नहीं रही जैसे पहले थी जी, जिसमें कुछ भी कोई भी कोई काम नहीं करता था, गोचर भूमि मीन्स गोचर भूमि ही होता था जी, और वो केवल गायों के लिए हमारे पालतू जानवरों के लिए होते थे। तो निश्चित रूप से आज जो भाषण बोलना, तो आपने जो बात कही कि मैं सहमत हूँ इस बात से, और इस बात से मुझे दुख भी होता है कि विपुल जी हमारे मोदी सेना के अध्यक्ष भी हैं और बार बार प्रयास करते हैं और खुद क्योंकि भाजपा की सरकार है उसमें क्योंकि हिंदुत्व की बात होती है, तो निश्चित रूप से सरकार को भी इसमें कदम उठाना चाहिए। और एक बात से और सहमत हूँ कुमार जी की कि कुमार जी ने कहा कि जो गायें हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और मालिक का भी कि ये किसकी गाय है और उसका चिन्हांकन भी होना चाहिए, और यदि गाय पालता है तो अपना रजिस्ट्रेशन कराए नगर निगम से, नगर निगम को भी एक नया नियम बनाना चाहिए कि जिस तरह से अन्य जानवरों को पाला जाता है, तो गाय को माता के रूप में देखना और श्वेत क्रांति को वापस लाना ये निश्चित रूप से जब हम चाहेंगे समाज चाहेंगे तभी होगा। आज हिंदू ही पकड़ा जा रहा है कि गाय को उसमें कत्ल खाने में बेच रहा है, तो वो समाज भटक गया पूर्णतः। और आज आज बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज स्थिति दर्दनाक है, जैसे कुमार जी ने कहा ना कि जब हम पीट जाते हैं बुरी तरह से तब हम उस पर बात करना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम इस पर भी पीट चुके हैं बुरी तरह से जी। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ जो एक उपाय है कोई और दूसरा उपाय बचता नहीं है सिवाय इसके कि हम इस दिशा में बहुत ही गंभीरता से बात करें। एक राउंड और कर लेते हैं, संदीप जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। तीन शब्द है
गौ पालन, गौ सेवा, गौ संरक्षण, आपकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तीनों का लबोलवा एक ही, गौ पालन, गौ संरक्षण, गौ सेवा। गौ सेवा, गौ संरक्षण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गौ पालन व्यक्तिगत तौर पे जो लोग गाय पालते हैं उनको बुलाकर उनकी एक कार्यशाला लगाई जानी चाहिए, उन लोग को गाय पालने का तरीका बताना चाहिए जी। और गाय के गाय से निकलने वाली सारी चीजों की उपलब्धता बताई जानी चाहिए जी। ये बिना प्रशासन के सहयोग के संभव नहीं है। प्रशासन जैसा अपन ज्यादा दूर ना जाए, अपन यही की बात करें बिलासपुर की, तो यहाँ खुद गायों को अलग से एक जगह दिया गया है जी। नगर निगम ने अलग से गोकुल धाम बनाया उनके लिए, लेकिन आज हर मोहल्ले में चार चार पांच पांच व्यक्तिगत तौर पे डेयरियां चल रही हैं जी। कोई भी गोकुल धाम में ले जाकर उनको नहीं पालता है। तो जैसे भैया ने बताया, इसके पहले बोले अभिलक्ष्मी भैया बोले कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जो भी गाय पालता है उसको बुला के उसको बताया जाए, उसका ढंग बताया जाए, उसको समझाया जाए कि जिनसे व्यवसाय के इस्तेमाल इन सब दिशाओं में वहाँ पर अकादमिक तौर पर चीजें की जा रही है और कोर्सेज सेट किए जा रहे हैं, आने वाले हो सकता है 5-10 साल में बहुत ही एफिशियंट हो, तो उसको किस तरह से लोगों से जोड़ा जाए, आम लोगों तक पहुँचाया जाए और आम लोगों को विश्वविद्यालय से कैसे। मैंने अपनी बात के शुरू में ही कहा था कि हमारा भारत जो कि एक कृषि प्रधान देश है, इसके अर्थव्यवस्था का बहुत कार्या रीढ़ का स्तंभ हमारी गौ है, हमारा गौ वंश है। जहाँ तक बिलासपुर जो एक कृषि विश्वविद्यालय हमारे यहाँ स्थापना की गई है और कृषि विश्वविद्यालय में बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं, कृषि के अलावा एक काम देने वाला विश्वविद्यालय, उसके जो किसी ने कहा कि जो गौ की उपयोगिता है, जो गौ से उत्पादित वस्तुएं हैं, चाहे उसका गौ मूत्र हो, चाहे गाय का गोबर हो, चाहे दूध दही जो भी चीज है, उनकी उपयोगिता भी थोड़ी हमारे लोगों तक बताना पड़ेगा कि ये उपयोगिताएं क्या क्या चीजें, वैसे हम सबको मालूम है जी। थोड़ा सा मैं इससे अलग जाना चाहूँ, क्योंकि बार 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 हो रही थी कि एक एक्सीडेंट की बात होती थी, एक गौ वंश के संरक्षण की बात होती जी। अभी हमारे किसी साथी ने कहा था कि हमारे यहाँ गौचर भूमिया और बहुत पहले थी, अभी भी है, नक्शों पे अभी भी है, जब हमारे पास शासन के पास एक पूरी मशीनरी गांव स्तर पर बैठी हुई है, हमारे पास पंचायती राज व्यवस्था है, हमारे पास में गांव में पटवारी हैं, हमारे पास पटवार है, सब चीजें हैं, जब हमारे हर गांव के पास में कुछ एकड़ जमीनें आज भी निर्धारित हैं, आज वो किसी के द्वारा भी कब्जा कर ली गई, तो हमारे ये जो मशीनरी थी, ये मशीनरी कहाँ तक जिम्मेदार थी, ये क्या कर रही थी उसमें जी। ये एक कदम उठा करके जो हमारी जो इस तरह से बेजा कब्जा जमीन हो चुकी गांव में, उनको मुक्त कराना पड़ेगा कहीं पे। क्योंकि इस जिले में मैंने थोड़ी देर कुछ दिन पहले देखा था, आज से 5-6 साल पहले, कि कुछ बेजा कब्जा भूमि को मुक्त कराने के लिए यहाँ पे एक आम रुकुंज की स्थापना की गई थी, जो बेजा कब्जा मुक्त करा लिया, उसमें आम के पेड़ लगा दिए जी। तो अगर इसी तरह बेजा कब्जा भूमि मुक्त करा दिया जाता है, तो हमारे गाँव में रहने वाले हमारे भाई किसान भाई लोग हैं जो गौ पालक वास्तव में है, तो वो गाय का पालन करेंगे, क्योंकि उनके पास गाय चराने की जगह हो। आज किसी भी आप गांव में चले जाए, आज गांव में लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, लोगों के पास जो थोड़ी बहुत जमीन बचती है वो खेती की जमीन होती है, तो गांव गाय को लेके जाएगा, उनके पास अल्टीमेट अब एक चारा बचता है कि बहुत मजबूरी में हमारा किसान, छत्तीसगढ़ का किसान आज गाय को किसी न किसी व्यक्ति को बेच देता है 1,000 या 500 रुपए में, बहुत दुखी मन से बेचता है। इस मैं थोड़ा सा घटना में और प्रकाश डालना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ लोग बिलासपुर जिले के गांव में घूम रहे थे, पंडितों का रूप धारण करके, वो कितने छद्म थे, कितने असली थे, मैं नहीं जानता, लेकिन उसका जो कहानी हुए, उन्होंने लोगों से कहा कि मैं पंडित हूँ और पंडित को गाय को लेते थे दान के रूप में, और अचानक मारमरकंटक के जंगल में ले आके चराने की बात करते थे, लेकिन अचानक मारमरकंटक में आज गाय नहीं देखी जाती, वो गाय सीधे हमारे जसपुर होते हुए कहीं दूसरे राज्य में चली गई, लोगों ने एक कमाई का जरिया उसको बना लिया। मुझे लगता है कि अगर गांव में जो गौचर भूमि है उसको मुक्त करा लिया जाए, तो एक बहुत बड़ी समस्या गांव स्तर पर हमारी सुधर सकती है। शहर स्तर पर आपने कहा जो आज गोकुल धाम बना हुआ है, आप गोकुल धाम पे एक लिस्ट निकाला है ये RTI में, किनको जमीन आवंटित की गई है, वो नौ धनाढ्य लोग, वो बड़े भारी व्यापारी लोग, वो नेता लोगों को जमीन आवंटित की गई है गोकुल धाम पे गाय पालने के नाम पे, वहां पे कितने लोग वास्तव में हम और आप जाकर के गाय पालन का काम कर रहे हैं, जमीन वास्तव में पालन कर रहे हैं, अगर ये निकलवा रही है, जैसे एक CSIDC है यहाँ पर जिला उद्योग के, वहां पर लोगों को बड़े नौ धनाढ्य लोगों को जमीन आवंटित की गई, लेकिन उद्योगों की स्थापना नहीं हुई।
जी अगर किया जाए तो मुझे लगता है बहुत कुछ प्रैक्टिकल उसमें लेके जाना पड़ेगा। बालकृष्ण जी, अवेयरनेस की भूमिका कितनी हो सकती है, लोगों को आप जागरूक करते हैं क्या, कभी आप फीडबैक भी देते हैं कितने लोग जागरूक हो रहे हैं, कितने लोग जागरूक होकर आपकी बात से प्रेरित होकर के गौ रक्षा में आ रहे हैं, कितने लोग गायों को अनाथ घूमने से बचा रहे हैं? जी जहां तक बात है कि गौ माता के संरक्षण की, तो वहां पर हमने अपने कथा के प्रभाव से, गौ माता की कथा से, गौ माता के मतलब जो है सम्मान जो है उनका, वो हम लोगों को बताते हैं और लोगों को उपयोग भी बताते हैं। गौ माता एक हिंदू दृष्टि से माता भी है और वैज्ञानिक दृष्टि से उसका उपयोग भी वैज्ञानिक तरीके से भी होता है। कृषि प्रधान देश है हमारा, कृषि भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैविक खेती का भी कार्य होता है और गोबर गैस का प्लांट भी लग सकता है। गौ माता के गोबर से ही अभी बस चलने की बात हुई थी कलकत्ता में, चली आज भी चल रही है वो बस। और जहां तक बात है कि हमारे कथा से कितने लोग प्रेरित हुए, वहां पर ये बात है कि हमने अपने स्तर पर प्रयास करके बहुत सारी गायों को संरक्षित किया है और आज भी वो गाय खूंटों पर बंधी हुई है जो कि रोड में नहीं घूमती। और हमारे कई भक्त मतलब भगवान के भक्त हैं कि जो चोट ग्रसित गाय हैं उनकी भी सेवा कर रहे हैं। अच्छा प्रयास आपका चल रहा है। साथ ही साथ किसानों को कितना अवेयर करने की आवश्यकता है और कितना उनको फैसिलिटेट करने की आवश्यकता है कि आप गाय पालो, सरकार की तरफ से आपको भूसे में या जिसमें भी मदद होगी, बुजुर्ग गायों को उनके लिए सरकार दे, नौजवान गायों को आप दोहे और अपने दूध से उसका संचालन करें। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे अभी आपने कामधेनु यूनिवर्सिटी की बात की, हिंदुस्तान में अधिकांश अच्छे काम केवल पेपर पे होते हैं अधिकांश, और पब्लिक में बहुत ज्यादा, पब्लिक असल में अपने रोजी रोटी या सामान्य तौर पर अपना पेट भरने में पूरी जिंदगी निकाल देती है। पब्लिक के बाहर तो कुछ नहीं है करना, उसके सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ, सामान्य लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं इससे कि सड़क में गाय है कि नहीं हुआ है उससे कोई मतलब नहीं। वो गिर भी जाएगा, एक बार एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो अपना झर्रा के चल देगा। लेकिन यदि हम अपने आप को जागरूक करते हैं, यदि हम वास्तव में समाज सेवी है, वास्तव में कागजी समाज सेवियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तविक समाज सेवा करते हैं वो लोगों को प्रयास तो जरूर करना चाहिए। जहां तक किसानों का को वो करने का सवाल है, जागरूक करने का। तो किसान को तो आज हिंदुस्तान में पहले भी था लेकिन अभी थोड़ा सा ज्यादा वोटर हो गए हैं लोग किसान, उनको कर्जा माफी कर दो, उनको कैसे भी करके खुश करके उनको भटका दो, उनको ये अच्छी चीजें मत सिखाओ। और जो भी अच्छी चीजें हैं वो केवल और केवल पेपर में रहती है बस। बहुत अच्छी बात है। पन्ना साहब, गाय के पालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण कितना जरूरी है? गाय के पालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण, गाय का पालन भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। जैसे कि पहले कृषि प्रधान देश बनाने के लिए कृषि विभाग और कृषि विस्तार अधिकारी इस स्तर पर नियुक्ति हुई। आज कृषि विस्तार अधिकारी बताता है कि आपको धान में ये कीड़ा लगेगा तो ये पेस्टिसाइड डालना है और ऐसे करना है। ऐसे ही गौ पालकों को शिक्षित किया जाए कि आपकी गाय बीमार होगी तो ऐसा करो, ऐसा पालन का एक तरीके से उनको शिक्षा प्रदान की जाए तो ये गौ वंश बचेगा, गाय बचेंगी, शिक्षा बढ़ेगी गाय और भारतवर्ष एक उन्नत देश होगा। बिल्कुल सही बात मिश्रा जी। विपुल साहब, सरकारी सहयोग, पॉलिसी और प्लानिंग एनफोर्समेंट, इनको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे आपने शुरुआत में भी कहा था कि इसमें एक मतलब गवर्नमेंट एड में बहुत पारदर्शिता की जरूरत है और सिर्फ गौ शालाओं के लिए नहीं बल्कि कुछ छोटी छोटी इकाइयों में किसान जो गौ पालन करते हैं भले वो अपने लिए करते हैं उसमें भी सरकार को कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में सहयोग करना चाहिए। देखिए, मूलभूत समस्याएं जो है आज आजादी के बाद से लेकर अभी तक जी गायों की जो दुर्दशा होती हुई आई है जी, आपको शायद ज्ञात हो
इस भारतवर्ष पर पवित्र भूमि पर प्रतिदिन आज भी 1,00,000 गोवंश कटते हैं। हम रोड पर बैठे हुए गोवंशों की बात कर रहे हैं और एक तरफ इस सनातन धर्म पर 1,00,000 गोवंश प्रतिदिन आज भी भूचरखानों पर कटते हैं अवैध रूप से और जिस पर जी आज निरंतर वो कार्य होते हुए आ रहे हैं जी। इस पर सबसे पहली दरकार ये है कि गाय को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक वैसायिक दृष्टिकोण से जी, ये सारी चीजों से जब तक गाय को नहीं रखा जाएगा जब तक गाय नहीं बच सकती। दूसरी बात कि ये जो कार्य है ये कार्य हर वर्ग का, आज राजनीतिक संगठन इतने सारे हैं, गैर राजनीतिक संगठन इतने सारे हैं, इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे हमारे पास में प्रखंड है जी, इतनी सारे हमारे बिलासपुर पे ही देखें तो हम 150 लगभग के ऊपर में संगठन चल रहे जी। तो ये सारे जो कार्य हैं ये सारी चीज लोगों के हैं, पर्टिकुलर सिर्फ गाय का काम करने वाले लोगों के नहीं है जी। अब इस दिशा की ओर हमने एक कार्य किया था, लास्ट टाइम हमने बजरंग दल की बैठक लेकर के बजरंग दल को आह्वान किया था जी। तो पिछले वर्ष बजरंग दल ने रोडों से गायों को उठाया था तो जिससे एक्सीडेंट बहुत कम हुए थे। इस बार उस कार्य को हमने विश्व हिंदू परिषद को कहा उठा कहा पहुंचाया रोड से किनारे करने के लिए तो एक्सीडेंट कम हुए थे, लेकिन ये सब इस समस्या के समाधान नहीं है। स्थाई समाधान सिर्फ हो सकता है तो वो है किसान जी। किसान के पास ही गाय बच सकती है। यदि किसान को गाय का मूल्य मिलेगा और गाय को सम्मान मिलेगा तभी गाय बच सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार से हम 18 फरवरी 2018 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर पूरे भारतवर्ष से गौ भक्त इकट्ठा हो रहे जिस पर पूरे भारत पर यह अनशन होगा कि गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए, साथ ही गोबर की मूल्य मिले, साथ ही 5 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क दूध उपलब्ध हो, गौचरण भूमि खाली करें, इन सभी मांगों के साथ पर हम केंद्र सरकार के सामने खड़े होंगे जी। बिल्कुल, ये टेक्निकल तौर पर बहुत अच्छा प्रयास होगा और अगर इसमें कुछ काम हो जाता है, सरकार को इसमें गंभीर नजर आती है तो बड़ा परिणाम और बड़े बदलाव भी इसमें आ सकते हैं। जयसवाल जी, चारा दूध पूजा सबसे पहले क्या गाय के लिए? सबसे पहले तो गाय के लिए चारा ही है जी। और पूजा पहले होती है? हाँ जी, मतलब उसको चारा मिलता ही नहीं, लेकिन अपन मानते हैं कि चलो आज जैसे एक गोवर्धन पूजा होती है ना, उस दिन विशेष करके पूजा करते हैं कि चलो आज पूजा करना है, खोज तो आज मतलब उस दिन बिल्कुल एकदम व्यवस्थित रूप से पितृपक्ष आ गए। इस तरह से जब हमारे कोई विशेष आयोजन होते हैं तब उनको हम पूजा के रूप में देखते हैं, लेकिन प्रथम जो है उसका चारा है, जो उसके दूध माने पेट भरने पर, जब पेट भरा ही नहीं होगा तो दूध कहाँ से देगी। बिल्कुल, तो जो गोचर खत्म करने की बात है, गोचर को वापस लाने की बात है, तो कहीं ना कहीं रसूखदार उसमें जमे हुए हैं और उसको शासन भी कहीं ना कहीं से हटा नहीं पा रही है। रसूखदार भी जमे हुए हैं और जो गांव में बीएसयूपी जो या ऐसे मकान बनाए जा रहे हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, जो कुछ भी योजना आती है जमीन से खाली जमीन पड़ी है, गोचर भूमि को दिखाई देती है और उठा को कर नहीं रही है, राजनेता और अधिकारी खा गए हैं। आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि इस दिशा में गाय सेवा की दिशा में गाय संरक्षण गौ पालन तीनों शब्दों को हम अगर एक मान भी लें तो नए लोगों की भागीदारी कितनी बड़ी है और कितनी और बढ़ाने की जरूरत है नए लोगों की, और अपने ऊपर से ये टैग हटाने की कितनी आवश्यकता है कि गौ रक्षक जैसे शब्द सुनते हैं तो लोग सिहर जाते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज तो सबसे पहले तो ये समझना होगा, जैसे एक समय अभी विगत करीबन 1 से 1.5 वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री जी ने इस पर बयान दिया था तो उनका कहना यह था कि गौ सेवक अलग होते हैं, गौ रक्षक अलग होते हैं, और उनका एक ये भी कहना था जिसका हम विरोध नहीं करते हैं, कि मतलब कुछ गौ रक्षक सिर्फ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बाकी गौ रक्षक का चोला ओढ़ के रात को अपने गोरख धंधे करते हैं और दिन में उनसे बचने के लिए अपने आप दिन में क्या होते गौ रक्षक का चोला पहन के समाज के सामने खड़े हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से होता यह है कि जो वास्तविकता में काम कर रहे हैं या कार्य करने को इच्छुक हैं, या तो वो लोग इस डर भय से पीछे हटते हैं या फिर वो सामने आने से कतराते हैं। क्योंकि जैसे अभी वर्तमान में जो हुआ, अभी जो बयान फिर से आया सरकार का और गृह मंत्रालय ने जो फिर से मतलब उस पे क्या बोलते हैं राज्य सरकारों को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिस पर उन्होंने कहा कि आप अपने हर जिले पर एक नोडल अधिकारी बैठाइए, जिस पे छत्तीसगढ़ राज्य पर भी 27 जिलों पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। किंतु सबसे बड़ी चीज ये है इसमें सोचने वाली बात यह है, एक तरफ ये सरकार जो है बात करती है कि गाय का मतलब मांस नहीं बिकना चाहिए, गाय की पूजा होना चाहिए, गाय की रक्षा होनी चाहिए, गाय के नाम से राजनीति, गाय के नाम से वोट लेने का कार्य। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो जैसे अभी आपके सामने एक केस की चर्चा मैं कर रहा हूं, शायद हो सकता है जानकारी नहीं हो आप लोगों को, रायपुर में अभी बूचड़खाना खुलने जा रहा है जिसको राज्य शासन ने हाईकोर्ट के द्वारा रायपुर नगर निगम, मतलब एक बहुत आश्चर्य की बात है कि एक तरफ रायपुर ने नगर निगम ने गौ माता को नगर माता का दर्जा दे दिया और दूसरी तरफ वो राज्य केंद्र से मांग कर रहे हैं कि राष्ट्र माता बनाई जाए गौ माता को, और वहीं दूसरी तरफ वो बूचड़खाना खुलने का पूरा वहां पे आ चुका है। बूचड़खाना और गाय का रिश्ता मैं आपको इस प्रकार समझाना चाहूंगा, आज कोई भी बूचड़खाना इस देश में जो चल रहा है, चाहे वो अवैध हो चाहे वैध हो, वहां पे कहीं पे भी अगर आप उनके जो लाइसेंस जब उनको मिलता है तो आप उसमें देखेंगे तो कहीं पर भी गाय का या गौवंश का जिक्र नहीं होता है, उसमें सब कई राज्यों का अलग अलग मतलब वो है, लेकिन जो कानून पास है उसमें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये भी बोलता है कि जो दूध देने योग्य या कृषि योग्य नहीं है गौवंश उनको काट सकते हैं, और एक तरफ हमारा संविधान कहता है कि गाय को नहीं काट सकते आप, उसके लिए धाराएं बनाई गई है बकायदा। तो ये चीज मतलब अब आप जैसे आपका प्रश्न था कि आप इसमें गाय को बूचड़ खाने से क्यों जोड़ कर देखते हैं, होता ये है कि हम भी ये चाहते हैं कि अगर भारत जैसे एक संप्रदाय एक समुदाय का देश नहीं है, भारत विभिन्न संस्कृति विभिन्न धर्मों से बना हुआ एक देश है, तो यहाँ पर सबके धर्मों का उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनका आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती यह है कि जो मांस को भोग करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बूचड़खानों का वो किया जाता है निर्माण, लेकिन सबसे पहले ये देखा जाना जरूरी है कि बूचड़खाने में जो आपको सरकार ने जो निर्धारित किया है कि वहां पे बकरा कटेगा, वहां पे क्या बोलते हैं भैंस कटेगी या फिर वहां पे भेड़ कटेगी, वो वहां पे वो ही कट रही है या फिर वहां पे गाय ही कट रही है, सबसे बड़ी चीज सबसे बड़ा मुद्दा। तो होता ये है कि शुरुआत होती है इन चीजों से, लेकिन धीरे धीरे उन जगहों पर गाय से भरे हुए अवैध ट्रक पहुंचाए जाने चालू हो जाते हैं। जी जहाँ आहार है वहां बूचड़खाना होगा, कहीं से तो आएगा वो, हर व्यक्ति तो अपने घर में इस तरह की हिंसा नहीं करता है खाने के लिए, बाजार से नहीं लाता। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, छत्तीसगढ़ की गाय आप यकीन नहीं करेंगे, ये और भी देश के अन्य न्यूज चैनलों पर इस चीज की बकायदा स्पिन करके और बकायदा उसकी पूरे उस पे वो भी चल रही है, बांग्लादेश तक का छत्तीसगढ़ का गौवंश बांग्लादेश तक को भेजा जा रहा है। नीति नियत और व्यवहार, पॉलिसी इंटेंशन एंड एग्जीक्यूशन, इसमें नियत पॉलिटिकल अगर एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल लेवल पे और सोशल लेवल पे तीनों चीजें डिफरेंस होती है जी वो अलग होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे करप्शन जी, इन दो चीजों की वजह से जो पॉलिसीज हैं वो बराबर नहीं हो पाती, जमीन पे नहीं आ पाती। तो ये ऊपर के दो लोगों को सुधार करने की जरूरत है, सोशल आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लोग आजकल अपना एजुकेशन बड़ा है, लिटरेसी बड़ी है, लोग समझदार हैं, मीडिया है, एक्सपोजर बहुत है लोगों को, तो उसकी कोई कमी नहीं है, मेनली है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव।
ये दो ही चीजें हैं जो हमारे देश को हर लेवल पे डैमेज कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय पर आपने विचार रखे। अगली बार फिर किसी विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। बी लाइव में आज बस इतना ही। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए पत्रिका.com और पढ़ते रहिए पत्रिका अखबार। नमस्कार। ये अभी फेसबुक पर अपना लाइव कर